नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम रे थ्योरी ट्रांसमिशन का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था। अभी तक के सेशन में हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंतर्गत लाइट की नेचर का अध्ययन कर चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर का अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें, क्योंकि लाइट वेव को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपगेट कराना है, तो हमें रे थ्योरी ट्रांसमिशन का अध्ययन भी करना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, रे थ्योरी ट्रांसमिशन को जानने से पहले हमें उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जैसे हम बात करें, पिछले सेशन में भी हमने इसका ब्रीफ डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्योंकि जब हम रे थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो हम रे का ट्रांसमिशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बात करते हैं, तो हम उस मीडियम के साथ में स्पीड जो लाइट की है उसका, प्लस वैक्यूम के अंदर स्पीड की लाइट का जब हम कंपैरिजन करते हैं, रेशियो लेते हैं, तो वील गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन, एंड दी इट इज़ नथिंग, इट्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सी विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, इट्स अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। हेंस लाइट रे ट्रेवल सोलली इन ऑप्टिकल डेंस मीडियम, सोलली इन ऑप्टिकल डेंस मीडियम, एंड इट ट्रेवल्स फास्ट इन लेस डेंस मीडियम। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट जब प्रोपगेट करती है, तो वो जो डेंस मीडियम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, उस मीडियम में धीरे धीरे स्लो स्पीड से ट्रेवल करती है, जबकि रेयर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, उसमें फास्ट स्पीड से ट्रेवल करती है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करें फॉर डिफरेंट मीडियम, तो एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड की अगर हम बात करें, तो एन इज इक्वल्स टू 2.42 फॉर डायमंड के केस में होता है, एंड एन इज इक्वल्स टू 1.33 फॉर वाटर, एंड एन इज इक्वल्स टू 1.45 फॉर सिलिका ग्लास। तो जैसा हमने बताया था कि हम कोर को सिर्फ प्योर सिलिका ग्लास से बनाते हैं, तो एक तरह से हम कहते हैं कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.45 होती है। Then in the process of reflection and refraction, we consider that light rays as a form of plane waves which suffers in dielectric medium. यानी जब हम reflection और refraction का अध्ययन करते हैं, तो हम ये consider करते हैं कि light एक plane wave की तरह है, जो एक medium से दूसरे medium में propagate कर रही है। When light ray incident at the surface which join two different medium, then some part of ray reflect back in first medium and remaining part of the wave refract इन सेकेंड मीडियम। यानी हम कहते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो जब वो उस सरफेस पर आकर टकराती है जिस पर दो मीडियम ज्वाइन हो रहे हैं, तो जब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेव इंसिडेंट हो रही है उस ज्वाइनिंग सरफेस पर, उसमें से कुछ पार्ट उस वेव का रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है, या एक तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है या बेंट हो जाता है सेकेंड मीडियम में। अगर हम ये डायग्राम देखें, तो डायग्राम में यू विल सी दैट दिस इज़ दी ज्वाइनिंग सरफेस ऑफ टू मीडियम। ऊपर वाला मीडियम रेयर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, जिसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम बोलेंगे। दूसरा जो नीचे लाइन के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ डेंसर मीडियम, जिसे हम सघन माध्यम कहते हैं, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 है। तो N2 इज़ ग्रेटर देन N1 जब कोई भी लाइट वेव इस सरफेस पर, जो दो मीडियम एयर और वाटर को ज्वाइन कर रही है, उस पर इंसिडेंट होती है, और इसका जो इंसिडेंस एंगल है, दिस इज़ दी नॉर्मल, ये नॉर्मल एक्सिस है, इस नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड φ1, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये रे इस सरफेस पर टकराती है, तो इसका कुछ पार्ट इसमें से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, यानी कुछ पार्ट इसमें से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, जिस जो, और ये जो रिफ्लेक्शन वाला जो ग्रीन कलर का रेज है, ये जो एंगल नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके अलावा कुछ पार्ट वेव का दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, जो नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही है, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई
फाई टू। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब कोई भी लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पार्ट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है। और इसमें हमें दो तरह के एंगल भी दिखाई दे रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द रे कॉन्सेप्ट थ्योरी। देन व्हेन रे इंसिडेंट एट सरफेस फ्रॉम रेयर मीडियम एन वन टू डेंस मीडियम एन टू, यानी जब कोई लाइट वेव इंसिडेंट होती है किसी दो मीडियम को ज्वाइन करने वाले सरफेस पर और वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में अगर आ रही है, यानी रेयर मीडियम का मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में आ रही है, तो देन दी रिफ्रैक्टेड रेज बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो उस कंडीशन में जो रे रिफ्रैक्ट होती है, जो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है, वो अपने एक्सिस की तरफ झुक जाती है। ये होता है जब केस में एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, यानी जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर वेव जा रही है। उसी तरह से हम कहते हैं अगर वेन रे इंसिडेंट एट सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब दूसरे केस में क्या है कि ऐसा हो सकता है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करे, तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। दैट इन दैट केस एन वन इज ग्रेटर देन एन टू। तो अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या था, स्नेल लॉ कि जब कोई वेव किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो स्नेल ने एक लॉ दिया था, दैट इज एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू, जिसमें एन वन इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन एंड एन टू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, एंड साइन थीटा वन इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड थीटा टू इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस इज एन वन साइन फाई वन एंड एन टू साइन फाई टू, जो हमने प्रीवियस बताया था, जिसमें फाई वन इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड फाई टू इज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज़ दी बेसिकली यू विल सी दिस डायग्राम, जब कोई भी रेस इंसिडेंट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ब्लू कलर की रे है वो इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर और वो एक मीडियम में जा रही है और यहाँ से कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वन नंबर का जो है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट, वन टू इज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड थ्री इज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हम देखें तो ये रेज अपने नॉर्मल से दूर हट रही है क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें क्या होता है। व्हेन वी इंक्रीज इंसिडेंस एंगल फाई वन देन द रिफ्लेक्टेड एंगल फाई टू ऑल्सो इंक्रीजेस एंड रीच अप टू 90 डिग्री। जब हम इंसिडेंट एंगल फाई वन को बढ़ाना स्टार्ट करें, उसको इंक्रीज करते जाएं, तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है यानी जो वेव दूसरे मीडियम में जाके जा रही है और अपने एक्सिस की तरफ झुक जा रही है, तो उसमें जो फाई टू एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। और जैसे जैसे हम फाई वन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे फाई टू भी बढ़ता चलाता है और ये बढ़ते बढ़ते फाई टू 90 डिग्री तक पहुँच जाता है। वो एंगल जिस पर हमें ये एंगल फाई टू 90 डिग्री पहुँच जाता है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यानी इंसिडेंस एंगल का वे एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। दैट मींस फाई वन इज इक्वल टू फाई टू, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई वन क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, उस कंडीशन में रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। देन आफ्टर दैट पॉइंट नो रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल एंड लाइट रेज टोटली रिफ्लेक्टेड, फाई वन इज ग्रेटर देन फाई सी। यानी कि इस पॉइंट पर जिस पर हमें फाई टू 90 डिग्री मिल रहा है और फाई वन फाई सी के बराबर है, वहाँ पर कोई हमें रे रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिल रही, यानी रिफ्रैक्शन जो है वो जीरो है। और जैसे ही हम इंसिडेंट एंगल को 90 डिग्री से क्रिटिकल एंगल से बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में जो रेज है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी देयर इज़ नो पार्ट रिफ्रैक्टेड टू द सेकेंड मीडियम। तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जो वेव उस इंसिडेंट एंगल पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हुई, वो सारी की सारी उसी सेम मीडियम में वापस आ जाती है, वो सेकेंड मीडियम में एंटर नहीं करती। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम ये डायग्राम में देखें तो ए जो है वो पार्शियल रिफ्लेक्शन है, जिसमें कि जो फाई वन एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो क्रिटिकल एंगल से कम है। पहली कंडीशन होती है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से कम हो, उस कंडीशन में जो रेड कलर में आपको वेव दिख रही है वो इंसिडेंट वेव है और ग्रीन कलर में जो वेव है वो रिफ्लेक्टेड वेव है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाता है।
दूसरी कंडीशन ये बनती है जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दें। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाता है। ये देखें यहाँ 90 डिग्री में ब्लू कलर की रेज जो है इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है दैट इज 90 डिग्री। थर्ड कंडीशन क्या होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देते हैं तो उस कंडीशन में देर इज़ नो रिफ्लेक्शन, जो वेव हमारी इंसिडेंट हुए वो सारी के सारी वेव रिफ्लेक्ट बैक वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वो उससे बाहर दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करती। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ अगर हम बात करें तो N1 sin ∅1 = N2 sin ∅2, ये स्नेल का लॉ है। अगर क्रिटिकल एंगल की बात करें एट क्रिटिकल एंगल जब ∅1 की वैल्यू ∅c है तो ∅2 90 डिग्री हो जाएगा। देन ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो N1 = sin ∅c = N2 sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो हमें ∅c = N2/N1। तो उस केस में अगर हम क्रिटिकल एंगल निकालना चाहें ∅c, तो ∅c = nothing, it's sin inverse N2/N1। तो अगर हमारी कोई भी लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी किसी मीडियम में इंसिडेंट हो रही है तो हमें ये पता करना है कि उस वेव का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्योंकि हमने ये कहा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें जब टोटल वेव को टोटली रिफ्लेक्ट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए साइन फाई सी की वैल्यू हम निकालेंगे, ∅c = sin inverse N2/N1। तो अगर हमें दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है तो हम उनका दोनों का रेशियो लेके साइन वैल्यू उसकी निकाल लें तो वील गेट दी एंगल ऑफ इंसिडेंट के जो क्रिटिकल एंगल है वो हमें पता लग जाएगा। तो हम ये जान पाएंगे कि हमें इस एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट रखना है तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो दिस इज, तो अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है बेसिकली इट इज़ यूज्ड इनटू द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट वेव का संचरण होता है प्रोपोगेशन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ देखें कि ये लाइट इस कोर में इंसिडेंट हुई है वन मीडियम में जहाँ पर कोर और क्लैडिंग की सरफेस है, इस पर जब ये लाइट इस पर इंसिडेंट होती है अगर ये फाई एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये सारी की सारी लाइट वापस इसी मीडियम में आ जाती है, फिर ये दूसरी तरफ जाके फिर क्लैडिंग और कोर के सरफेस पे जाके टकराती है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस तरह से ये लाइट वेव इस कोर में लगातार इसी के अंदर ही ये ट्रेवल प्रोपगेट करती रहती है, इससे बाहर नहीं निकलती। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे इन ऑप्टिकल फाइबर, यानी किसी भी लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपगेट करने के लिए उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत आवश्यक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमें क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो फाई एंगल आपको दिखाई देता है, दिस फाई एंगल इज़ ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसीलिए ये वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में वापस आ रही है। इस तरह से ये वेव प्रोपोगेट करती है ऑप्टिकल फाइबर में। दिस इज़ दी ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन है, जिसमें देखें कि ट्रांसमीटर के अंदर एक ऑप्टिकल सिग्नल दिया है, ये इससे इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आया और ये ऑप्टिकल फाइबर ने रेड कलर में आपको दिख रहा है, इट इज़ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये अंदर जो ब्लू कलर का है वो कोर है, उसके ऊपर क्लैडिंग आपको दिखाई दे रही है, देन बफर और उसके बाद जैकेट। तो दिस इज़ एडवांस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, इसमें इसे प्रोपोगेट करती हुई रिसीवर पर पहुंच जाती है। इस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल वेव का ट्रांसमिशन फाइबर के अंदर करते हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।